नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों का आभार और बहुत शुक्रिया, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष एक बार फिर से बाघ की रेटिंग में नंबर 1 है। सभी दर्शकों का इस भरोसे के लिए बहुत बहुत आभार। और चलिए अब रुख करते हैं हमास और इसराइल के बीच जो युद्ध जारी है, इसका हम रुख करते हैं। तो अब आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त, क्योंकि 13वां दिन है, लगातार विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। वॉर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें कौन सी हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर इजरायली बंधकों को लेकर अपडेट है। 203 इजरायली नागरिकों की तलाश है, हमास के कब्जे में है 203 लोग, अभी तक 306 जवानों की मौत। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में भी इजरायली हमला जारी है। 12 घंटे में 7 फिलिस्तीनी मारे गए। 7 अक्टूबर से वेस्ट बैंक में 69 की मौत हो गई है। वेस्ट बैंक में भी युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होता हुआ अब साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए। वॉर जोन से तीसरी बड़ी खबर, बंधकों की जानकारी जुटाने में इजरायल लगा हुआ है। गाजा बॉर्डर के पास इसराइल का ऑपरेशन और तेज हो गया है। बंधकों का ठिकाना तलाशने की कोशिश IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार कर रही है। गाजा बॉर्डर के पास IDF की लगातार छापेमारी। और देखिए एक और बड़ी खबर, इसराइल में हमास के लड़ाकों के होने की आशंका है। बीती रात IDF ने एक हमास लड़ाके को पकड़ा भी है। IDF का पूरे इसराइल में सर्च ऑपरेशन जारी है। गाजा बॉर्डर इलाके में तलाशी अभियान। और देखिए एक और बड़ी खबर, पांचवी बड़ी खबर, वॉर जोन से लेबनान दौरे पर जर्मन रक्षा मंत्री बेरूत पहुंचे हैं। जर्मन रक्षा मंत्री जंगी हालात के बीच लेबनान के राजधानी इस वक्त जर्मनी के रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, इसराइल से तनाव पर ईरान से बड़ी खबर, ईरानी आर्मी चीफ ने रूस कतर से बात की है। रूस कतर के रक्षा मंत्रियों को फोन किया है। जंग में किसी भी वक्त तीसरा देश आ सकता है, इसराइल के अपराध रोकने की जरूरत है। और सातवीं बड़ी खबर, वॉर जोन से गाजा को लेकर IDF का बड़ा बयान सामने आ रहा है। गाजा में हमले नहीं रुकेंगे, IDF ने यह क्लियर किया। पूरे गाजा में हमले जारी रहेंगे, यानी किसी तरह का कोई अभी सुलह के आसार नहीं है। और वॉर पर आठवीं बड़ी खबर, गाजा पर जिनपिंग का पहला बयान, जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए, हालात बेकाबू होने से पहले जंग रुकनी चाहिए। चीन भी अब किस तरह से बयानबाजी तेज करता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिए। और वही नौवीं बड़ी खबर, लेबनान को लेकर बड़ी वैश्विक चिंता सामने आ रही है। 5 देशों ने एडवाइजरी जारी की है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी, फ्रांस और कनाडा ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा है नागरिकों को लेबनान यात्रा से बचना चाहिए, यह सलाह दी गई है। और देखिए 10वीं बड़ी खबर, गाजा ब्रेकिंग आपको हम दिखा दें। मानवीय गलियारे पर WHO का बयान, गाजा के लिए सप्लाई चुनौती भरा काम है। सिर्फ 20 ट्रक भेजे जाने को पर कहा, अभी तो शुरुआत हो रही है। तो इसराइल और हमास के इस विध्वंसक जंग का आज 13वां दिन है। आज का दिन इस युद्ध के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इसराइल हमास और गाजा को लेकर बहुत आक्रामक हो गया है।
रात से लेकर अभी तक गाजा पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इस बीच ऑपरेशन गाजा को लेकर इसराइल की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है, पूरी खबर आपको बताएंगे। उधर इसराइल पर अमेरिकी रुख को लेकर ईरान ने बड़ी धमकी दे दी है और अरब देशों को साथ आने के लिए कहा है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। इधर अमेरिका को घेरने के लिए रूस ने ब्लैक सी से घेराबंदी कर दी है। सभी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है इसका हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ हिजबुल्ला गुट ने और जंग तेज कर दी है। 24 घंटे के अंदर 3 अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक के बाद सीरिया में भी ड्रोन से अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया। सीरिया में 2 अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया। अल-तफ बेस पर ड्रोन से अटैक, कोनोको बेस पर मिसाइल से हमला हुआ। इसराइल की मदद पर भड़का है हिजबुल्ला, अमेरिका पर गुस्से में है हिजबुल्ला। देखिए कल जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से इराक में जो अमेरिकी बेस है वहां पर हमला बोला था, आज सीरिया में हमला बोला। तो 2 तस्वीरें आप जरा देखिए, कल इराक में अमेरिकी बेस पर पहला हमला बोला गया हिजबुल्ला गुट, लेबनान का हिजबुल्ला गुट जिसने अमेरिकी बेस पर हमला बोला कल। और देखिए 24 घंटे के अंदर यानी कि आज सीरिया में अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया। ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि आखिर किस तरह से युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक और भी नए मोर्चे साफ तौर पर इसमें खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इसराइल जंग पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव का बयान, इसराइल जंग से विश्व युद्ध का खतरा है, इसराइल जंग विश्व युद्ध में बदल सकता है, मिडल ईस्ट क्रूर युद्ध देख रहा है। यह बात दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कही है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से बहुत बड़ा बयान। गाजा पट्टी में आएगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, इसराइली सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है, हिजबुल्ला का पोस्ट पर बहुत बड़ा हमला। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेबनान बॉर्डर पर इसराइली टावर को कैसे उड़ा दिया, हिजबुल्ला ने जारी किया है इसका वीडियो। बाइडेन के दौरे के बाद हिजबुल्ला के हमले और भी तेज हो गए। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा में भीषण हमला हुआ है, इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर आ रही है। रिहायशी इलाके में इजरायली बमबारी, तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं दक्षिणी गाजा की, क्योंकि ये इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि अभी तक जो ज्यादातर हम बमबारी और शेलिंग IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से देख रहे हैं वो उत्तरी गाजा में देख रहे हैं, लेकिन दक्षिणी गाजा जहां पर खुद निर्देश दिया इजरायल ने कि वहां पर लोग चले जाएं उत्तरी गाजा को छोड़कर, लेकिन दक्षिणी गाजा में भी हमला हो रहा है। और आइए अब देखते हैं कि दक्षिणी गाजा पर हमले से जुड़ी क्या डिटेल है, क्या अपडेट है। बिग वॉल के जरिए सारी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले कि पॉइंटर्स पर हम आए, ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका, रिहायशी इमारते हैं किस तरह से ये तबाह हो गई है, ये ढेर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। आप समझ सकते हैं रिहायशी इलाके में कितना बड़ा नुकसान भी जो आम सिविलियंस से उनको उठाना पड़ रहा है। एक घंटे के अंदर 33 फिलिस्तीनियों की मौत की जो जानकारी हुआ इस हमले में, 3 जगहों पर इजरायली एयरफोर्स की तरफ से बमबारी की गई, बमबारी की चपेट में आई कई रिहायशी इमारतें जिसकी इस तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या खबर है, ज़ाहरा सिटी में 4 टावर्स भी इजरायल की तरफ से बमबारी में उड़ा दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का विध्वंस दक्षिणी गाजा में मचा, विस्थापितों के ठिकाने पर भी हमला हुआ, वो लोग जो कि उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ मूव किए उनके इलाकों पर भी हमला हुआ। पूरे इलाके में नागरिक सुविधाओं का बहुत बड़ा हाल है, ना बिजली है ना पानी है, खाने को लेकर क्राइसिस। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, इसराइल गाजा जंग का आज 13वां दिन है। जैसा आप जानते हैं इन 13 दिनों में गाजा और इसराइल में भीषण तबाही मची है, दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग बेमौत मारे गए। हंसता खेलता गाजा अब खंडहर सरीखा लग रहा है। हमास के खात्मे की अपनी कोशिश में इसराइल गाजा पर जमीन और आसमान से बारूदी प्रहार कर रहा है, हमास के ठिकानों को एक एक करके तबाह कर रहा है। हमास पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और इसराइल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहता है। लिहाजा ये जंग हर बीते दिन के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हले को।
7 अक्टूबर 2023 जंग का पहला दिन। सुबह के वक्त हमास लड़ाकों ने दक्षिणी और मध्य इसराइल की ओर से रॉकेट हमलों की बौछार कर दी। लोहे की बाड़ काटकर हवा से समंदर से हमास लड़ाके इसराइल में घुस आए। एक म्यूजिक कंसर्ट पर हमला किया, 260 से ज्यादा बेकसूर और निहत्थे लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी। न सिर्फ महिलाओं बच्चों को, उनके माता पिता और माता पिता के सामने बच्चों को मार डाला। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों को अगवा कर यात्राएं दी। 8 अक्टूबर 2023 जंग का दूसरा दिन। इसराइली और हमास लड़ाकों के बीच जंग विध्वंसक रूप लेने लगी। दोनों ओर से हमले जारी रहे। अश्कलोन समेत कई इलाकों में भीषण बमबारी इसराइल की ओर से हुई। नौ अक्टूबर 2023 जंग का तीसरा दिन। बदले की आग में जल रहे इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर 800 से ज्यादा रॉकेट दागे। 10 अक्टूबर 2023 जंग का चौथा दिन। लगातार इजरायली हमलों से गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई। बिजली पानी संकट ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। 11 अक्टूबर 2023 जंग का पांचवा दिन। इस दिन हमास की क्रूरता की इंतहा हो गई। बेरी इलाके में हमास लड़ाकों ने रिहायशी इलाके में लोगों को घर में घुसकर उनकी क्रूरता से हत्या कर दी। बच्चों को भी नहीं बख्शा। हर तरफ सिर्फ लाशें दिखाई दे रही थी। जहां खुशियों की किलकारियां गूंजती थी, वहां मातम की खामोशी थी। 12 अक्टूबर 2023 जंग का छठा दिन। हमास के अत्याचार का अंत करने के इरादे से इसराइल ने हमले जारी रखे। एयर स्ट्राइक से लगातार हमास को भारी नुकसान पहुंचाया। हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो उसके ठिकानों पर भी हवाई हमलों ने कहर बरपाया। 13 अक्टूबर 2023 जंग का सातवां दिन। ये दिन गाजा के 10 लाख लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती लाने वाला था। आसमान से इसराइल डिफेंस फोर्स एक फरमान लिखी पर्ची गिराती जिसमें लिखा था, फौरन उत्तरी गाजा खाली कर दक्षिणी गाजा की ओर जाएं। ये दिन लोगों के जीवन में एक बड़ा तूफान लाया। संयुक्त राष्ट्र ने 10 लाख लोगों को शिफ्ट करने के इस फैसले की निंदा की और इसे नामुमकिन बताया। 14 अक्टूबर 2023 जंग का आठवां दिन। इसराइल के आदेश के बाद अब लोगों के पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो जान गंवाएं या फिर उत्तरी गाजा खाली करें। लिहाजा लोग पलायन करने लगे। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की तरफ अपने जरूरी सामान लेकर निकले, लेकिन इस दौरान भी इसराइल पर हमले के आरोप लगे। कई गाड़ियों पर बमबारी हुई। 15 अक्टूबर 2023 जंग का नौवां दिन। इसराइल और हमास के बीच जारी इस युद्ध में लेबनान के बाद एक और देश सीरिया की एंट्री हुई। सीरिया की ओर से इसराइल पर हमले हुए तो इसराइल ने भी इसका करारा जवाब दिया, मगर सीरिया की एंट्री से साफ हो गया कि हमास इस जंग में अकेले नहीं, उसके साथ कई मुस्लिम देश भी इसराइल की चुनौती बढ़ाने वाले। तो इसराइल के साथ अमेरिका डटा है। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए अब तक 2 जंगी जहाज भेज दिए। 16 अक्टूबर 2023 जंग का दसवां दिन। इस दिन हमास पर इसराइल ने एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा विध्वंसक हमले किए। हमास के कई शीर्ष कमांडर को अब तक इसराइल घेर कर चुका था। हमास को निस्तनाबूद करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसराइल हर संभव कदम उठा रहा था। 17 अक्टूबर 2023 जंग का 11वां दिन। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुनिया भर में इसराइल की निंदा होने लगी। खास तौर से मुस्लिम देश गुस्से से भर गए। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमला हुआ जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले के आरोप इसराइल पर लगे, लेकिन इसराइल इसे हमास की साजिश बता रहा है। 18 अक्टूबर 2023 जंग का 12वां दिन। 18 तारीख को दुनिया की नजर इसराइल पर थी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले थे। बाइडेन आए तो न सिर्फ इसराइल का मजबूती से साथ देने का संदेश दुनिया को दिया, बल्कि गाजा अस्पताल हमले में इसराइल को क्लीन चिट भी दे दी। 19 अक्टूबर 2023 जंग का 13वां दिन। आज भी गाजा के एक अस्पताल के पास रॉकेट हमला हुआ। रामल्ला में हमास के ठिकानों पर भीषण हमला इसराइल ने किया। वेस्ट बैंक में इसराइली फोर्स और हमास के बीच गोलीबारी हुई तो हमास के हमले में IDF की पोस्ट तबाह हो गई। लेबनान ने भी 9 रॉकेट हमले किए। और देखिए इस बीच में एक और बड़ी खबर है। गाजा पर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है IDF का जमीनी हमला।
यानी ग्राउंड अटैक की तैयारी किसी भी फॉर्म जमीनी हमले के लिए। इसराइल की बहुत बड़ी तैयारी है गाजा बॉर्डर पर, टैंकों का जमावड़ा है, हजारों की संख्या में जो टैंक्स है वो इस वक्त गाजा बॉर्डर के चारों तरफ नजर आ रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड से सैकड़ों टैंक हमले के लिए तैयार है। गाजा बॉर्डर पर 3 लाख इजरायली सैनिक तैयार है, सिर्फ एक आदेश का इंतजार है और उसके बाद ये गाजा पट्टी में दाखिल होकर हमले को अंजाम देंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में ग्राउंड अटैक की तैयारी जो हमने आपको बताया, और गाजा बॉर्डर पर टैंकों की बड़ी तैनाती नजर आ रही है, बड़ी संख्या में इजरायली टैंक्स यहां पर तैनात किए गए। और देखिए सवाल यह उठता है कि आखिर जमीनी हमले शुरू करने का जो प्लान है वो कैसे बना। अब जो है वो आप जान लीजिए कि क्या होने वाला है। जमीनी हमला किसी भी वक्त हो सकता है ये कहा जा रहा है, और जमीनी हमले के लिए अमेरिका इसराइल के साथ है, हरी झंडी दे दी गई है। अमेरिका ने जमीनी हमले को लेकर हरी झंडी दी। कहा जा रहा है कि जो बाइडन और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई इसमें जमीनी हमले को अंजाम देने का फैसला लिया गया। हमास को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान इसी मुलाकात में तय भी हुआ है। गाजा पर कब्जे का इसराइल का पूरा प्लान है, हमले के दौरान बंधकों को बचाना इस वक्त इसराइल की प्राथमिकता। और अब आपको 7 अक्टूबर का वो वीडियो दिखाते हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 7 अक्टूबर का वो वीडियो दिखा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। हमास ने किस तरह से इसराइल में तांडा मचाया, 1 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हमास की बर्बरता का नया वीडियो आप देखिए। वीडियो में हमास की बर्बरता के सबूत कैद हैं। 7 अक्टूबर का ये खौफनाक वीडियो है, आम लोगों की बेरहमी से कैसे हत्या की गई, सिविलियंस को मारा गया, बाइक पर सवार होकर देखिए कैसे आए और चारों तरफ कोहराम मचा दिया। 1 मिनट 17 सेकंड का 7 अक्टूबर का वीडियो, जरा हमास की क्रूरता आप देखिए। आम लोगों को निशाना बना रहे थे ये लोग, देखिए कैसे गाड़ियों में जो लोग थे लोग बिलख रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन इनको खींचा गया, इसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ये तांडव मचाया था हमास के आतंकियों ने, लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास लड़ाके मोहम्मद दाइफ का ऑडियो मैसेज सामने आया है। 7 अक्टूबर को यह मैसेज जारी किया गया, हमास लड़ाकों को मैसेज किया था, कहा था आज बड़ी लड़ाई का के अंत का दिन है। इसराइल पर हमले से पहले दिया था हमास लड़ाकों को पैगाम, इजरायली सेना ने जारी किया है यह वीडियो। तो आप देखिए आतंकी मोहम्मद दाइफ जिसका वीडियो सामने आया 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ के बारे में आपको और जानकारी इंफॉर्मेशन देते हैं बिग वॉल के जरिए। सारी जानकारी यहां पर आप तस्वीर देख लीजिए, यही आतंकी मोहम्मद दाइफ जिसने ऑडियो मैसेज के जरिए हमास के आतंकियों को मैसेज दिया था। हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख, असली उपनाम मसरी है इसका, मोहम्मद दाइफ का। और क्या जानकारी आ रही है, इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दाइफ का जो नाम है वो टॉप पर है। इसराइल के कई हमलों में दाइफ बचने में कामयाब भी रहा है, इसके खिलाफ कई बार ऑपरेशन छेड़ा गया। एक बार इसराइल के मिसाइल हमले में मोहम्मद दाइफ हमास का ये आतंकी टॉप लीडर घायल भी हुआ था। 2014 में युद्ध के दौरान गाजा में दाइफ के घर पर इसराइल का बड़ा हमला हुआ था। 2014 में हुए इसराइली हमले में दाइफ की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन जो मोहम्मद दाइफ है वो बच निकला था। दाइफ कभी डिजिटल यंत्रों और सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता है, जो जानकारी सामने आ रही है, भरोसेमंद कुरियर नेटवर्क के जरिए अपने नेता से आदेश को लेता है, इस तरह से इसने अपना जाल बिछा रखा है। हमास का मुख्य विस्फोटक इंजीनियर यह रह चुका है, सुनने की शक्ति हालांकि इसकी काफी कम है। और इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही, इजरायली प्रधानमंत्री से मिले हैं ऋषि सुनाक, बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है ऋषि सुनाक जो कि इसराइल के दौरे पर है, कुछ वक्त पहले पहुंचे। ये देखे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ वैसे ही मिलने का अंदाज, गले मिलने का अंदाज जो कल हमने देखा था जब जो बाइडन से मुलाकात की थी। जो बाइडन भी कल जब प्लेन से उतरे तो उसके बाद गले मिले बेंजामिन नेतन्याहू से। अब आज की तस्वीर आप देखिए, तेल अवीव में दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात हुई है, हम इसराइल के साथ हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह क्लियर कट मैसेज दिया है हाथ मिलाते हुए, यह आप तस्वीर देखिए।
और वहीं गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ इसको लेकर बड़ी खबर, अस्पताल हमला इसराइल ने ही किया है, ये फिलिस्तीन की तरफ से एक बार फिर से आरोप लगाया गया। टीवी 9 से फिलिस्तीन के राजदूत बोले हैं, झूठ बोलना इसराइल की पुरानी आदत है। So the biggest question right now is that Israel is denying that it is not them and it is not their attack because of which Ahli hospital was targeted, and it is by Hamas, and it is a failed rocket that was fired by them, and they have provided evidences to prove what they're saying. This is not the first lie of this government. And I think it's well known even for World Health Organization that there is a threat to many hospitals, not only Al Ahli Hospital. The Israelis threat the director of the hospitals one day before the massacre and told him to move the patient from the hospital and to close the hospital. Also, they shot small rockets not far from the hospital to treat them. Now, what has happened exactly, that this is not the first hospital they treat. They treat Kuwait Hospital also, and they treat other hospitals to move patient from those hospitals, which we don't have where to take them. And to take any patient from these hospitals means you are killing them, especially with the lack of medicine, with the lack of oxygen, with the lack of operation rooms, with everything. So the Israelis bombed that area for more threat. It's not the first massacre anyway to the Israelis. Especially they have continued their bombing in other areas. And you know, the people are sitting near the hospital because they think that they are protected. तो भारत में फिलिस्तीन के राजदूत को आप साफ तौर पर सुन रहे थे बातचीत में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मरीज जिनको इलाज की जरूरत है उनको शिफ्ट करना उनको मौत के मुंह में ढकेलने जैसा था, और ये पहली बार इज़राइल ने ऐसा नहीं किया है, पहले भी ऐसा नरसंहार कर चुका है। एक और बड़ी खबर आप देखिए, IDF के हमले में हमास की सदस्य मारी गई है, हमास की सदस्य जमीला अल शांति मारी गई है, पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी के मिलिट्री विंग का हेड भी इस हमले में मारा गया है। यह हमास की महिला नेता जिसकी मौत हुई है, रफात अबू हिलाल PRC के मिलिट्री विंग का हेड था, और इन सब के बीच यह हमास की महिला नेता जिसका नाम है जमीला अल शांति जिसकी मौत हुई है। IDF की तरफ से जो हमला किया गया, IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले में इन दोनों की मौत। तो इसराइल के हमले में हमास की अहम महिला सदस्य है जिनका नाम है जमीला ताहा अल शांति, वो मारी गई। आइए जमीला के बारे में कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, क्या है, कौन थी जमीला ताहा अल शांति जिसकी मौत हुई। हमास के राजनीतिक ब्यूरो में पहली महिला सदस्य थी ये तस्वीर है जमीला की जिसकी मौत हुई है। फिलिस्तीनी विधान परिषद की सदस्य भी जमीला रह चुकी थी। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, जमीला हमास की महिला आंदोलन की संस्थापक भी थी, यानी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लीडर थी हमास के लिए। हमास के संस्थापक अब्देल अजीज अल रंतीसी से हुई थी। जमीला का पति रंतीसी 2004 में इजरायली हमले में मारा गया था, यानी जमीला के पति की मौत 2004 में हो गई थी, और इसके बाद लगातार हमास के लिए काफी एक्टिव, लेकिन आज जिस तरह से IDF की तरफ से हमला बोला गया इसमें जमीला की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा के लिए रूस ने भेजी है बड़ी मदद, इजिप्ट के रास्ते गाजा पहुंचेगी है मदद, 27 टन मदद के सामान के साथ विमान रवाना हुआ है रूसी मदद, सामग्री में गेहूं है, चीनी, चावल और पास्ता खास तौर पर रखा गया है, गाजा के लोगों के लिए खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। तो इजिप्ट के रास्ते गाजा तक लोगों को जरूरी सामान खास तौर पर खाने की चीजें रूस की तरफ से भेजी जा रही, रूस जो कि इस वक्त खुले तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है।
और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्ला गुट ने जारी किया नया हमले का वीडियो। लेबनान बॉर्डर से इसराइल पर कैसे हमला किया गया, उत्तरी इसराइल पर जो हमला किया गया उसका ये वीडियो आप देखिए। इसराइल के टावर को रॉकेट से उड़ा दिया। तो हिजबुल्ला जो लगातार इसराइल के खिलाफ IDF के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा है, और अब इसराइली डिफेंस फोर्स ने 5 किलोमीटर का जो इलाका है वो भी खाली करवा लिया, क्योंकि लगातार जो हमले हैं और तेज होते हुए हिजबुल्ला की तरफ से नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इसराइल की भीषण बमबारी हुई है। इसराइली हमले में 4 बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई, 33 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, यह खबर सामने आ रही है। इसराइली युद्धक विमान लगातार यहां पर तबाही मचा रही है। देखिए ये रिहायशी इलाका है और इमारतें किस तरह से मलबे में तब्दील हो गई, और इसके बाद इसमें सिविलियंस की जान गई है, कई लोग इसमें ट्रैप हो गए मलबे में, यह खबर सामने आ रही है। और वहीं गाजा के अस्पताल में जो हमला हुआ इस पर अब बड़ी खबर आ रही कि अस्पताल हमले पर सबूतों की जंग और तेज हो गई है। इसराइल के सबूत झूठे हैं ये फिलिस्तीन की तरफ से कहा गया। TV9 पर बोले फिलिस्तीन के राजदूत, साजिश झूठ इसराइल की पुरानी आदत है। When the Israelis say that they have proof that it is not them that they have done it, there was a press conference by their spokesperson where he did put forward some visuals and some evidences according to him, which he says are proof enough that it was not them. So would the Palestinian side also have, or do they also have, or do you also have some evidence to prove that it was Israel that did it? We're still in the massacre up to now. We're still... try to bury the bodies of our martyrs there, our children, our women, but there will be evident for sure. And they, even without proving any evidence, this is not the first lie from the Israelis. The Israelis did not recognize that they have done Sabra and Shatila massacre. Right? Okay. It is not the first massacre of the Israelis, and then they say it's not us. और देखिए एक और बड़ी खबर है, गाजा में रिहायशी इलाके में हमले का आरोप लगा है, इजरायली सेना पर हमले का आरोप लगा है फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से। बकायदा IDF की तरफ से जो हमला किया गया उसका वीडियो भी जारी किया गया है, वीडियो आप देखिए। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसराइल के सैन्य अभियान पर, यह बहुत बड़ी खबर है। जंग खत्म करने का भी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, इसराइल का ऑपरेशन की कोई समय सीमा भी तय नहीं है, अभियान खत्म करने पर कोई बात नहीं। पश्चिमी इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ी रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि इससे पहले जब कल जो बाइडेन, आज ऋषि सुनक, इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहुंचे, तो माना गया कि हो सकता है किस तरह का कोई रास्ता निकालने की भी कोशिश हो रही हो, लेकिन अभी फिलहाल इसराइल का अभियान को खत्म करने का हमास के खिलाफ कोई इरादा नहीं है, ये बताया जा रहा है वेस्टर्न इंटेलिजेंस की तरफ से। एक और बड़ी खबर, TV9 पर बोले फिलिस्तीन के राजदूत, अमेरिका इज़राइल का पिता अदनान अबू की तरफ से कहा गया, इज़राइल को US की क्लीन चिट पर कहा, इज़राइल की साजिश के सबूत देंगे, अदनान अबू की तरफ से ये बड़ा बयान। जो बाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इन इज़राइल, एंड ही सेड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग देयर दैट आई नो दैट यू हैव नॉट डन इट, इट इज बीन डन बाय द अदर पार्टी, बाय बेसिकली पैलेस्टाइनियंस, दैट्स व्हाट ही हैज सेड। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई से व्हाट यू कैन हियर फ्रॉम द फादर ऑफ इज़राइल, जो बाइडेन सेड इफ देयर इज नो इज़राइल वी विल क्रिएट इज़राइल। He said Israel is the best investment for the United States. It's a $3 billion investment. Look how much it will cost us if we don't have Israel. So he has created Israel. Israel not more than a military base for the United States and the European countries. This indirectly has been said by Joe Biden himself. So you're saying that Joe Biden would stand, or America would stand by Israel, even if they know that they've done it? Yes. Because